ਖਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟਰਾਵਲ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ੇ ਸਹੀ ਗੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਅਰਹਾਮ ਗਾੜੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਾ ਦੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਨਾ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह, और होपफुली आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज की डेली रूटीन। तो नाश्ता करवा के ना मैंने बच्चों को भी बाहर निकाला है। अरहम की जैसे हसबे मामूल जैसी उसकी आदत है, उसने गार्डन में पहले दो चार ठुड्डे मारने होते हैं। अच्छा, इसके पापा ना दो तीन दफ़ा मुझे कह बैठे हैं ये जो फटियाँ हैं ना हमारी, ये जो सामने नज़र आ रही है, इस ये कहते हैं कि आज मुझे पता चला है कि ये जो ठुड्डे ये मारता है ना, ये जो फुटबॉल खेलता है, तो तब ये फटियाँ टूटती हैं। मैंने दो तीन दफ़ा से समझाया और इसका ये कहना है मुझे कि मम्मा जी अब मैं क्या करूं, मैंने फुटबॉल खेलना है। तो इसको मैंने भेजा है अरहम को, तो बाहर क्लिंगल हुई है ना, मेरा तरा ही निकल गया। असद को मैंने देखा है, ये फिर मुड़ के वापस आ गया, इसने इधर से ना बेल की है, और मेरे दिमाग में ये कहीं इसका साइकिल ना पंक्चर हो गया हो तो ये वापस आया, तो फिर मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा ना, ऐसी मैं डर गई। तो ये भूल गया था पानी लेके जाना, भूल गया था आज इसका पेपर है। इसकी भी ना वो सेटअप है, जो सेंट्रल प्रूफिंग है ना वो चल रही है, ये 10th क्लास में है। तो इधर अलगमाइन पूरे इधर इस हमारी क्लास में ना 10th क्लास के जितने बच्चे हैं ना उनकी आजकल ये प्रूफिंग चल रही है, तो इसकी भी आज ना पेपर था इसका भी। तो उसके लिए ना इन लोगों को, बच्चों को इजाजत है, मैंने हो सकता पहले भी जिक्र किया हो, समी को भी ऐसे थी कि अपने साथ ना एग्जामिनेशन हॉल में खाने पीने की चीजें अंदर लेके जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हों जो डोजे किसी में हों, इस तरह से नहीं हो कि इन्हें पैकिंग खोलनी पड़े हो, यानी पैकिंग खोलने की जो शरशर की आवाज़ या कड़कड़ की आती है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे ना ये पैकिंग खोल के समी तो ब्रोचन वगैरह ले जाता था, इसने क्या किया कि पैकिंग जो चीज़ें थी चोको प्रोटीन वगैरह वो अपने डोजे में रखी है इसने, और साथ में इस तरह की चीज़ें लेके गया है कि जिसकी खाने की ना कोई जब पैकिंग खोलनी ना पड़े, तो इस तरह से भी ना डिस्टर्बेंस होती है। तो बंदा समझ सकता है, हम लोगों को भी याद, खैर हमें तो इजाज़त नहीं होती थी एग्जामिनेशन हॉल में, सिवाए वो जो पेन और इस तरह की ज्योमेट्री बॉक्स छोटा सा ना लिमिटेड चीज़ें अंदर लेके जाने की इजाज़त होती थी, या स्केल वगैरह, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो बच्चों को भेज के ना मैं साथ ही चली गई थी ब्रोचने लेने, तो बाद में हम लोगों ने आराम से बैठ के नाश्ते किए। सम्मी जैसे मैंने पहले भी की दफ़ा जिक्र किया घर में होता है, मैं भी आज घर में थी तो हम लोगों ने नाश्ता किया। तो इस टाइम ना मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, बच्चों ने आज आ जाना है। बड़े जैसे सोच विचार के बाद ना मेरा आज दिल किया कि मैं ना आज अपने लिए मटर चावल बनाऊँ, मटरों वाला पुलाव बनाऊँ और साथ में आलू की टिक्कियाँ बनाऊँ। अच्छा, मुझे ये बहुत पसंद है, मटरों वाले चावल हो, आलू की टिक्की हो, साथ पतला सा रायता हो ना, रायता नहीं हो, योगर्ट जो हो जीरे और नमक वाला पतला सा, तो मुझे बहुत इसका मज़ा आता है। बना तो मैंने लिया, मुझे ये था कि बच्चे खाना हुआ खाएंगे, नहीं तो फिर उनके लिए मैं कुछ और बना लूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में सभी ने खा लिया था। अच्छा, आलू की टिक्की ना ज़्यादातर हमारे घर में वो जो अंडे की कोटिंग है ना उससे बनती है, लेकिन आज मैंने ना ये बड़ी पुरानी कोटिंग है, ये मैं करती होती थी पहले किसी ज़माने में, फिर मैंने बीच में छोड़ दी, अब फिर मेरा आज दिल किया कि मैं इस तरह से इस तरीके से ना टिक्की बड़ी मज़े की बनती है, बड़ी क्रिस्पी सी रहती है। मैंने बेसन की कोटिंग से आज मैंने आलू की टिक्की बनाई है। आलू के मेज़े पहले मैंने हल्का सा जो पतला सा योगर्ट है उसमें एक दफ़ा डिप किया है, और फिर जो बेसन मैंने पतला सा घोल कर रखा था उसमें डिप करके, तो इस तरह से मैंने फ्राई कर लेना है। बहुत मज़े की क्रिस्पी सी टिक्की बनती है, दही की खटास सी इसमें होती है, बड़ा मज़ा आता है। मसाला जो इसमें मैंने जो पीठी बनाई थी आलू की, उसमें मैंने जीरा के अलावा अजवाइन मैंने ज़रूर डालनी होती है आलू की टिक्की जब भी बनाऊँ, बाकी सारा कुछ वही है, हरा धनिया, हरा प्याज और पुदीना वगैरह डाल के, तो बाकी सारे मिर्च मसाले डाल के ना, तो मैंने इस तरह से टिक्की का ये मेज़ा बनाया था। बड़ा मज़ा आया, मैंने आज अपना लंच सही इन्जॉय किया, सही मज़ा आया। इसके बाद ना मैंने आज जाना है, मैंने और अरहम ने ना आज हम लोगों ने जो वीकली ग्रॉसरी है ना वो मैंने कह लें कि पूरे वीक की एक ही दफ़ा करनी है। ज़्यादातर तो हम लोग ऐसे है कि जाते ही रहते हैं, जब दिल किया वो गाड़ी निकाली और कान कफन पे चल पड़े, तो गुजरते हुए हम लोगों ने, मैंने ना इसको छोड़ना था किंजा को, हॉस्पिटल छोड़ना था, और बाद में फिर मैंने और अरहम ने आइन कफन करने जाना था। हम लोगों ने ना इसको, किंजा का जा रहा है ट्रिप, इसने ना पूरे हफ्ते के लिए गाड़ी लेके जाना। अच्छा, मैंने इसे दो तीन दफ़ा कहा कि लाजमी तू नहीं लेके जानी, क्योंकि हमारी 7-सीटर है, तो टीचर्स वगैरह को भी पता होता है कि इसमें ज़्यादा बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे, तो इनकी 6-7 गाड़ियाँ जानी है, लेकिन हमारी भी साथ जा रही है। और किंजा का ये कहना है कि मम्मा हर दफ़ा मैं उन्हें ये नहीं कह सकती, अपनी टीचर्स वगैरह को ये नहीं मैं कह सकती कि नहीं गाड़ी अवेलेबल नहीं है,
तो जैसे भी आप लोगों को ना इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो गाड़ी मैंने लेके तो फिर जानी हम है। लोगों ने ना यही हाँ प्लान किया है कि पूरी जो चीज़ें चाहिए ना पूरे वीक के लिए वो एक ही दफ़ा लेके रख लेते हैं। तो इस चक्कर में ना मैं इनसे ये कह रही थी कि मैंने बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें खरीदी हैं, चाहे उनकी ज़रूरत ना ही पड़े ना मुझे, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन खरीद ली है कि ये कि गाड़ी हमारे पास नहीं है। हमारे पास लोकल मार्केट इधर है, हमारे जो गाँव जिस गाँव में मैं रहती हूँ ना, एक बहुत बड़ा कह लें कि जैसा कि लीडर लाल्डी का जैसे स्टोर है ना, एक और स्टोर है, लेकिन उधर की चीज़ें लीडर लाल्डी से प्राइस में डबल होती हैं। काम का उसका नाम है, तो वो बहुत महंगा है, तो इसलिए फिर मैं नहीं उधर जाती हूँ। बहुत कोई बहुत अर्जेंट बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए तो फिर हम कभी कभार चले जाते हैं, ज़्यादातर वैसे हम लीडल आल्डी से ही, जैसे हमारी एक फैमिली है ना एवरेज फैमिली जो है वो इस तरह हमें यही बारा खाता है, लीडल या आल्डी। दूध रखना है। नीचे सोया ड्राई का तो हम दूध के रख लो, इधर से नहीं है, लीडर से नहीं, इधर से नहीं, उधर भी जाना है, लेकिन दूध इधर से भी ले सकते हैं हम। कब मैंने तुझे कहा कि मैं फैटी हूँ? एक और क्या खाता है? दोनों असद के लिए भी मैं सोच रही हूँ, ये भी ले लेती हूँ। ये भी ले लेती हूँ। पिंक वाला और ये अच्छा, आज तो हम लोग कॉफलैंड पे गए हुए थे। कॉफलैंड पे मैंने जब भी जाना हो ना, ज़्यादातर मेरा मकसद यही होता है, इधर से ना हमें ज़लामियाँ बहुत अच्छी हलाल जो ज़लामियाँ ना बहुत अच्छे रेट पे मिल जाती हैं। जो तुर्की स्टोर हमारे इधर पास है ना, वो इससे कीमत में महंगा है, तो इसलिए फिर कुछ अर्से से मुझे पता चला है, तो मैं ना ज़्यादातर ज़लामीज़ वगैरह जो है गोश्त वगैरह है वो मैं इधर से लेके आती हूँ। क्योंकि किन्जा का ट्रिप जा रहा है, इसलिए मैं से रिक्वेस्ट की हुई थी कि मामा जी मुझे वो हैंचन ज़लामी और टूटान की वो ला देना, और गोश्त वगैरह भी इधर से लाने थे। तो वो अगर मेरे वो व्यूवर्स जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए भी मैंने थोड़ी रिकॉर्डिंग भी किया, हो सकता है आप लोगों ने देखा भी हो, नहीं देखा तो आप फिर से वीडियो रिवर्स करके पीछे जाके देख सकते हैं कि जो हलाल सलामी है, फुलिया की है, और एक और ब्रांड है जो तुर्की दुकान पे ज़्यादातर पाई जाती हैं, लेकिन अब वो इधर कॉफलैंड पे भी मिलती हैं, तो प्राइस भी काफ़ी फ़र्क है। जो सलामी हमारे इधर तुर्की स्टोर पे 350 की मिलती है ना, वो इधर से 279 की मिली है, तो काफ़ी फ़र्क इस तरह से पड़ जाता है। अगर आप 8-10 पीसें उठाएं तो काफ़ी प्राइस में ना फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए भी मैं ज़्यादातर कॉफलैंड से अब सलामी वगैरह लेके आती हूँ, वोस्ट वगैरह भी उधर से लेके आती हूँ। उसके बाद हम लोग चले गए थे लीडल पे, कॉफ्रेंड से खरीदारी करके मैं और तो हमारे घर में ना दूध वगैरह कह लें या पानी ज़्यादातर लीडल का यूज़ होता है, और योगर्ट और केजे वगैरह जो है वो अल्डी के पसंद किए जाते हैं। तो आज मेरा कोई मूड नहीं था कि अब मैं यहाँ से फारग होकर तो फिर अल्डी पे जाऊँ, तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें जो लीडल से ले अल्डी वाली ली थी ना, वो भी इधर से लीडल से ले रही थी। जैसे ये योगर्ट है, जो फ्रूट योगर्ट है ना हमारे घर में, मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर अल्डी का पता पसंद है, लेकिन मैंने इधर से लीडल से ले लिया था। खरीदारी करके अब हम लोग अफरा तफरी में थे, क्योंकि शाम को ना मैंने हमारी इधर एक बड़ी अच्छी जानने वाली फैमिली है, उनकी तरफ चाय पे इनवाइटेड थी। तो मुझे ना जब मैं ख़रीदारी कर रही थी, तब भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि हाय देर हो जाएगी हमें, मुझे लग रहा है हमें देर हो जानी है। तो फिर मैंने उधर से ही ना फ़ोन उसे मैसेज लिख दिया था कि सना हमें आते आते ना हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए ना, हमें ये नहीं है कि जो टाइम मैंने तुझे दिया हुआ है उस टाइम पर हम नहीं पहुँच सकेंगे, हमें थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं ख़रीदारी करके घर आई, चीज़ें संभाली वगैरह, तो उससे भी ज़्यादा देर हो गई। अच्छा, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, ज़्यादातर मैं ऑन टाइम पे ही पहुँचने वाली बंदी, यही होता है कि मैं किसी को इंतज़ार ना करवाऊँ, लेकिन जब ऐसे देर हो जाए ना तो फिर बड़ी कोफ्स होती है दिल ही दिल में ना, वैसे ऐसे ही बंदा बाजार से घूम रहा होता है, हाय और देर हो जा रही है, देर हो जा रही है, हो जा रही है। फटाफट मैंने सारे बच्चों को लगा के हमने जो बेसमेंट में चीज़ें थी वो पहुँचाई, इधर फ्रिज में चीज़ें रखी हैं। ये नीचे जाएंगी, ये चीज़ें भी नीचे जाएंगी, अब मेरा ख्याल है डब्बे मैंने काफी इकट्ठे कर लिए।
मैंने उनके फैम बच्चों के लिए ना थोड़ी सी बम वगैरह ली थी, वो ट्यूटे में डाली हूँ, और भागम भागम हम ना उसकी घर की तरफ निकल पड़े हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटे का टाइम था, और बाद में साइफ को भी लेने का टाइम हो जाना था, और फिर मुझे ये था कि कम अज़ कम बंदा 1 घंटा तो जाके कहीं बैठे ना। तो अच्छा जी, मैंने बहुत स्पीडों में काम ख़त्म किए, फटाफट अफरा तफरी में मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, भागम भागम निकले हैं घर से, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि वो जो टाइम मैंने उसे लिखा था उससे भी हमें 1.25 घंटा हमें ना ऊपर हो ही गया था। तो इस टाइम हम पहुँच आए हैं, ये इनका अपना घर है, इन लोगों ने कुछ अर्से पहले इधर ये घर लिया है, और हमारे सिटी में ये लोग रहते हैं, इतना कोई खास दूर नहीं है, बस यही है कि गाड़ी पे 5-7 मिनट की ड्राइव थी। तो अस्सलाम वालेकुम, हमें बहुत देर हो गई, हमें बहुत देर हो गई, हम कंप्यूटर में चले गए। हमने आपको बांध के रखा है। नहीं कोई नहीं, पैसे हाजी साहब। मिशन स्टार्ट किया है कि घास निकालनी है और निकाल के फिर इसको ऊंचा करना है। अच्छा, सारे को ना मतलब एक जैसा प्लेन कर देना, मतलब ये इसकी लेवल के ऊपर लेके आना, ये थड़े के लेवल के ऊपर। अच्छा, हाँ, सारी नई मिट्टी डलवा के एंड तक। तो इसलिए आजकल ये हमने क्या करना इसके ऊपर। अच्छा, मतलब ये मिट्टी, मतलब ये वाला घास भी निकाल लेना, क्योंकि इसके अंदर जड़ी बूटियां भी है, ये तो हमने बीज वाला फेंका हुआ था। अच्छा, फिर इसके बाद लेकिन घास रखना है। मैं सारी टाइलें रख रही हूं। नहीं नहीं, ऐसी मतलब ऐसे ही रहना है, सिर्फ ऊंचा कर दे इसको। एक मिनट रहिए, यहां से लगाऊं। अच्छा, इसे स्टॉप क्यों किया हुआ है ताकि डंप ना बाहर निकले? ये भी अच्छा ट्रिक है, देसी तरीका। मेरे डंप पे रखे थे। हां, नहीं, बहुत मजेदार बने हुए हैं। मैं क्यों शायद ऐसे पेपर पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे समझ आ। अच्छा जी, मैं ना इसकी तरफ गई थी, सना है इस बच्ची का नाम है, तो इसकी तरफ गई थी। इसके ना पिछले दिनों पार्सल आया पाकिस्तान से पार्सल आया, तो उसमें जारी बात है कपड़े ही होते हैं, तो मुझे ये था कि मैं जाऊं देख के आऊं। 2-3 दफा मेरी इससे टेलीफोन से बात हुई, तो कहती आंटी आप आइएगा, कपड़े आए हुए हैं, तो मैं ना आपको, मुझे ये था कि मुझे बिल्डा भेजेगी कि कौन से इसने मंगवाए हैं, लेकिन कहती नहीं आप आए और फिर देखें। तो ये देखें माशाल्लाह से चाय के, इसने बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ था। ये इसने ना ये जो बटर कौसान है इसके अंदर ना चिकन की फिलिंग की हुई थी, और घबराहट ने स्वीबल थे इसके अंदर ब्राटन किए हुए, और साथ में पापरिका थी। मैंने लिया पहले हाफ, मुझे ये था कि शायद मेरे से ना खाया जाए, मेरा ये टेस्ट नहीं, मैंने वैसे फर्स्ट टाइम ये खाए थे तो, लेकिन मैंने मुझे इतना मजा आया, बाद में मैंने जो रेस्ट हाफ जो छोड़ा था मैंने वो भी ले लिया, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। भाई चले गए थे इधर, हम जाके भी बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद सैफ को लाने का टाइम हो गया था, तो फिर इसके पापा सना के पापा चले गए थे सैफ को लेने। सना का इंट्रोडक्शन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में आप लोगों से करवाऊंगी। तो बाद में फिर हमने थोड़ी देर चाय शाय पीने के बाद मैंने थोड़ी देर इसकी जो आई हुई थी चीजें वो देखी हैं, और फिर हम लोग तकरीबन कह लें कि 2 घंटे के बाद फिर हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। सैफ भी इधर ही आ गया था, इसने भी हमारे साथ चाय शाय पी है, और अब हम लोग वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये थी फिर आज की मेरी वीडियो, होपफुली आप लोगों ने इसे इंजॉय किया होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, और इसको ना फुल वॉच किया करें, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फिर आप लोग जरूर कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। तो ये मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट थी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दे दें इजाज़त, फिर अल्लाह हाफिज़। इसमें डिब्बे